हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोजी स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ थ्री डिजिट नंबर। इस पर शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे इसको तुरंत हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। मैंने टू डिजिट के नंबर्स के स्क्वायर की भी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियो से नोटिफाइड रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है मेरा, वो हम लेते हैं 107। हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो इसके स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 7 और 10। और यहाँ पे आप तीन कॉलम्स बना दीजिए, 1, 2 और 3। ये इस टाइप से तीन कॉलम्स बन चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 7 का स्क्वायर निकाला आपने 49 एंड 10 का स्क्वायर निकाला 100। और आपको 10, 7 और 2 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 10 × 70 = 140। कल भी मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन ए और बी मान के कराया था, तो सेम वैसे ही है। अब इसको आपको ऐड करना है, तो 49 का 9 यहाँ लिखेंगे और 4 कैरी जाएगा और यहाँ फिर ये हो गया 144, 144। तो 144 का 4 यहाँ लिखा जाएगा और 14 कैरी जाएगा और फिर ये हो जाएगा, इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 114। तो आंसर 107 का जब स्क्वायर आप निकालेंगे तो वो आंसर होगा 11449। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 155, 155 का स्क्वायर। तो इसे हम ऊपर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, इसको मैं दूसरा मेथड से बता रही हूँ। जब आपका लास्ट डिजिट 5 होता है तो उसे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख लेंगे हम 25, और जब इससे जो दे रखा है 15, इससे एक बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं, तो 15 से बड़ी हो जाएगी 16। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आपका फिर वो यहाँ पे लिखेंगे और आंसर पूरा वो होगा। तो 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24025 आपका आंसर हो गया है, 24025। अब आप इस मेथड, अब पुराने मेथड से अगर इसे करना चाहें तो फिर सेम कर सकते हैं आप इसको, 155 का 155 का स्क्वायर वही तीन भागों में आप इसे डिवाइड करेंगे। पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे आप 25, 15 का स्क्वायर यहां लिखेंगे हम जो कि होगा आपका 225। अब आपको इन 15, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 15 × 30 = 150, 150। तो अब फिर आपको ऐड करना है, तो ये हो गया 5 का 5, ये इसमें जाएगा 152 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिखा जाएगा और 15 कैरी किया जाएगा, तो ये 15 अब जुड़ा जाएगा 225 में, तो ये हो गया 24025 जो कि आंसर सेम आया इस मेथड से भी। तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपका 249, 249। तो इसमें भी सेम आप वही करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे तीन कॉलम्स बना लेंगे, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576। आपको अगर याद नहीं है तो आप लास्ट प्रीवियस मेथड से जो टू डिजिट के नंबर का स्क्वायर करा था उससे भी कर सकते हैं, बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 to 30 तक तो मिनिमम स्क्वायर्स याद रखने ही चाहिए। अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो आप कर लीजिए क्या आएगा इसमें, जब तो इसे मल्टीप्लाई किया जाता तो ये हो जाएगा 24 × 248 × 9, तो ये हो जाएगा 43। तो ये आपको मिल गया, आप इसको ऐड कर लीजिए, सेम 1 हो जाएगा, 8 यहाँ पे कैरी जाएगा तो ये जुड़ेगा 8 इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 440। तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा और ये 44 इसमें जुड़ा जाएगा, तो अब इसे जोड़ लीजिए तो आंसर आपका आएगा 62001। तो इस तरीके से आप जो थ्री डिजिट्स के नंबर होते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक।